आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल जुबैर शाह। दोस्तों अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास इतना ज्यादा बजट नहीं है, अगर आप परफ्यूम्स कॉस्मेटिक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूं। आप बड़ी ही आसानी से कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ये सेटअप कैसे बनाया जाता है, उसके लिए मेरे पास है शहबाज साहब हैं। ये इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी पिछले 5-10 साल से काम भी कर रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी है। 6-7 साल ये चाइना के अंदर भी लगा के आ चुके हैं और पाकिस्तान में भी अपना ये सारा सेटअप अभी काम कर रहे हैं, जिसमें ये चाइना से आए हैं। अब मेरी इनसे अभी मुलाकात हुई है, मुझे इनके आइडिया बड़ा पसंद आए हैं। अब ये आइडिया कैसे काम करता है, आप अपना बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम इनसे पूछेंगे। इनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और इनका एक्सपीरियंस क्या है, ये आप इन्हीं से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। शासन मैं बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताता जाऊं। शहबाज तालिब जम्मू मेरा नाम है और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मैं चैनल पे भी सिखाता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। बेसिकली जो मेरा कंसेप्ट है बिजनेस करवाने का तो वो बेसिकली है स्मॉल बिजनेस, कॉटेज इंडस्ट्री या कम सरमाए से आप कैसे अपना एक बेहतरीन जो बिजनेस है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि आप किस तरह से छोटे इन्वेस्टमेंट से एक कारखाना या एक फैक्ट्री लगा सकते हैं तो इस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। इसमें मेरी डोमेन क्या है, मैं क्योंकि बेसिकली जो बेसिक एजुकेशन है मेरी वो केमिकल से रिलेटेड है और फर्दर मैंने इंटरनेशनल बिजनेस भी पढ़ा है, तो अब मैं जो चाहता हूं जो मॉडल मैं चाइना में देख के आया हूं कि स्मॉल बिजनेस से आप किस तरह से अपनी और अपने प्यारों की और अपने मुल्क की जो इकोनॉमी है वो कैसे बेहतर कर सकते हैं। चाइना में कितना साल? मैं चाइना में काफी टाइम से था और मैं वहां पे लैंग्वेज भी पढ़ी है और वहां पे मैंने इंटरनेशनल बिजनेस भी पढ़ा है और साथ में मैंने ये सीखा भी है वहां पे कि किस तरह से स्मॉल स्टार्टअप या स्मॉल स्टार्टअप्स कैसे शुरू किए जाते हैं। बेसिकली स्मॉल बिजनेस के अंदर मैं आपको बताता जाऊं कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से लेके 3-4 लाख तक किस तरह से एक अच्छी हैंडसम और जबरदस्त अपनी बिजनेस जो है खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे मार्केट में आपको डिफरेंट काइंड्स के परफ्यूम नजर आते हैं, कॉस्मेटिक की चीजें नजर आती हैं, ये सारी की सारी यहीं पे पाकिस्तान में बनती हैं, उनकी ब्रांडिंग भी होती है, प्लस उसमें जो फार्मूला यूज किया जाता है वो टोटल प्रोसीजर क्या है वो ये आपको बताएंगे। ये माशाल्लाह इनका इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है, गोरों के साथ चाइनीज के साथ ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब ये बेसिकली वहां पे जॉब भी कर रहे थे लेकिन इनका ये था कि मैंने अपने मुल्क को सर्व करना है, अपने मुल्क की खिदमत करनी है, वहां जाके जो मैंने काम सीखे हैं मैं वहां पे भी अप्लाई करूं ताकि जो मेरे लोग हैं पाकिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो। तो उस सिलसिले में इनका माशाल्लाह आइडिया बहुत अच्छा है इनका। इन्हीं से हम जानेंगे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या आप है जो आप मुझे देख रहे हैं आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास मैक्सिमम 2-3 लाख रुपए है तो उसको आप कैसे छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी सर। अच्छा सबसे पहले आप क्योंकि हम बेसिकली जो है एक गरीब मुल्क से या एक कम आमदनी वाले मुल्क से ताल्लुक रखते हैं तो लोगों के पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सके। तो मेरा जो कंसेप्ट है मैं ये चाहता हूं कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट से जैसे कि पहले भी बता चुका हूं कि आप अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप मैं आपको सिखा रहा हूं परफ्यूम साजी, मैं आपको सिखा रहा हूं कॉस्मेटिक साजी, मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाउ टू मेक कैंडल्स, कैंडल कैसे बनाई जाती हैं, फूड प्रिजर्व कैसे की जाती है, या कोई भी बिजनेस आइडिया जो मुझे लगता है कि कम सरमाए से किया जा सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो मैं अपने चैनल से भी शेयर करता हूं और वो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जैसे आज शाह साहब का यूट्यूब चैनल है ये मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए आप तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है परफ्यूम,
या कॉस्मेटिक की चीजें, अब ये कंपनी कैसे रजिस्टर्ड होती है, इसका क्या प्रोसीजर है, कितने अरसे में कंप्लीट हो जाती है कंपनी, और इसकी कॉस्ट कितनी आती है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने कंपनी खोलनी है तो इसका बहुत ही जबरदस्त और बिजनेस जो आइडिया है वो इस तरह से कुछ होगा कि आपने सबसे पहले अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा, राइट, जिसको कहते हैं ट्रेडमार्क नंबर। ठीक है, एक आईपीओ नाम का एक ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर, वो लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद में मौजूद है। वहां पे आप अपना जो ब्रांड नेम है वो वहां पे डालेंगे, सबसे पहले आपका ब्रांड नेम रजिस्टर होगा, उसके बाद फिर आगे फर्दर प्रोसेस चलता है। तो ये 1.5 या 2 ईयर का प्रोसेस है आपकी एक पूरी कंपनी रजिस्टर्ड होने का, लेकिन जो बुनियाद है कंपनी रजिस्टर करवाने की वो आपके ट्रेडमार्क नंबर से ही पड़ती है। ट्रेडमार्क नंबर करवाएंगे, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है तो फिर आप अपना जो आपका टैक्स नंबर है वो भी आप रजिस्टर करवाएंगे। इससे हटके अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ये एक हैंड वॉश ही बनाना है, तो हैंड वॉश बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या काम करना है, अपना नाम डिसाइड करना है, नाम को रजिस्टर करवाना है। नाम को रजिस्टर करवाने के बाद आपने मशीनरी का अरेंज करना है, उसके बाद आपने इसके केमिकल्स का अरेंज करना है और एक फॉर्मूले का अरेंज करना है जिससे यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट बनानी। अच्छा, ये केमिकल्स वगैरह ये कहाँ से मिलते हैं, ये किस तरीके से हम बना? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि आपके पास ट्रेडमार्क नंबर भी हो गया, आपका मशीनरी भी आ गई, आपके केमिकल्स का महंगा आता है कि आप वो कहाँ से ले सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं, ऑलमोस्ट ऑल बड़े तमाम बड़े शहरों में मौजूद होती हैं, लेकिन मेन जो है वो कराची की मार्केट है और दूसरे नंबर पे लाहौर की मार्केट आती है। इसी तरह मुल्तान में भी केमिकल मार्केट है, क्वेटा के अंदर भी है, पिशावर के अंदर भी है। तो इन तमाम बड़े सिटीज में आप केमिकल शॉप पे जाके वहां से इनके अंदर डलने वाले तमाम केमिकल्स को आप बड़े आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं इसको फर्दर इसकी तस्दीक करवाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में एक अदारा मौजूद है, उसका नाम है PCSIR। ठीक है जी, वो वहां पे आप क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट बना के लेके जाएंगे और वहां पे जाके फर्ज के आपने हैंड वॉश बनाया तो इसकी रिबॉटरी करवाना चाहते हैं तो PCSIR से इसकी रिबॉटरी करवाई जा सकती है और इसकी एक नॉर्मल सी फीस होती है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा वो तमाम दोस्त जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो लाजमी तौर पर इन तमाम जो केमिकल्स की चीजें होती हैं इनकी रिबॉटरी करवाएं, क्योंकि ये आपको पता है कि ये ह्यूमन बॉडी पे या इंसानी सेहत के लिए ये चीजें यूज होना होती हैं। अगर आपकी फॉर्मुलेशन ऑथेंटिक है, तस्दीक शुदा है, आपकी प्रोडक्ट ठीक है, तो आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बेच सकते हैं, फिर आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इन पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। आप इनसे कॉन्टेक्ट नंबर इनका स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उनसे रब्ता कर सकते हैं। मजीद ये आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर खुद भी बता देंगे। और इनका जो चैनल है, किस नाम का चैनल है आपका? जी, मेरा नंबर जो है वो 0300 है 898-6714, 0300-898-6714। मेरे चैनल का नाम है शहबाज तालिब जम्मू। मैं अभी आपको मशीनों के बारे में बताने जा रहा था कि मशीन जो है वो किस तरह से आपके बिजनेस को बेहतरीन कर सकती है। ये बेसिकली ये मिक्सर है जो कि डिफरेंट लिक्विड चीजों को मिक्स करने के काम आता है। इसके साथ ये फिलिंग मशीन है, ये पूरी पूरी एक टेबल फैक्ट्री आपके सामने पड़ी हुई है और इस टेबल फैक्ट्री पे आप 50 से ज्यादा चीजें जो हैं वो बना सकते हैं, जिसमें जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, जिसमें डिश वॉश है, हैंड वॉश है, ये लिक्विड डिश वॉश हैंड वॉश की बात हो रही है, लिक्विड डिटर्जेंट है, शैम्पू है, कॉस्मेटिक की बहुत सारी प्रोडक्ट है और स्पेशल परफ्यूम के लिए, तो ये जबरदस्त सेटअप है। इसके अलावा दूध और दही को पैक करने के लिए ये मशीन बहुत जबरदस्त हो सकती है। इसके बाद जो अल्ट्रासाउंड जेल होती हैं, उसके बाद जो हेयर जेल है, उसके बाद आपके जो शेविंग जेल है, इस सब इन तमाम चीजों को ये पैक करने के लिए ये मशीनरी बहुत जबरदस्त है। ये टोटल आपके पास जो सेटअप पड़ा हुआ है ये कितने का बनता है? ये टोटल जो प्राइस है ये मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से निगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि आज की डेट में इसकी प्राइस और होगी, अगर आप महीना बाद में लेते हैं तो इसकी प्राइस डिफरेंट होगी। ये इससे क्या क्या चीजें बन जाएंगी? हाँ, इससे बहुत सारे, तकरीबन मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है कि एक मशीन 50 कारोबार, वो आप देख रहे हैं तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इसको बताते हुए एक पूरी लिस्ट है
और इससे ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मशीनरी से आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं और कौन कौन सी चीजें इससे पैक की जा सकती है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आके मिले, अगर आपको सेटिस्फेक्शन होती है तो कर सकते हैं। ये हासिलपुर सिटी के करीब रहते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है स्क्रीन पे चल रहा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही इनका भी चैनल है उनको भी सब्सक्राइब कर लें, एक दफा विजिट करें, अगर आपको बातें समझ आती है तो जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ही जुबैर शाह को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।